नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 2 जून और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 के अंतर्गत जो टर्म होता है वो भूगोल का टर्म होता है, और भूगोल के अंतर्गत आज का जो डिस्कशन है वो ब्रह्मांड पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ब्रह्मांड के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ब्रह्मांड के जो ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के अंतर्गत हम जो प्रश्न देखेंगे उसके पहले करेंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, और करेंट अफेयर के जो ये प्रश्न हैं ये आजकल की घटनाओं पर आधारित हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली 30 का इस महीने का जो ये पूरा एपिसोड है आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको डेली टेस्ट के तौर पर चाहते हैं, वीकली टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अलग से गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप इसके बनाए गए ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, वहां पर टेस्ट देके अपनी परफॉर्मेंस को शेयर करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए IAS प्रेप एकेडमी के माध्यम से। 99 रुपये का एक सब्सक्रिप्शन जो मंथली है, मंथ में केवल आपको 99 रुपीज देने हैं और हजारों क्वेश्चन की तैयारी आपकी आसानी से हो जाएगी। पहला जो प्रश्न है वह है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और इसी का अगला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसी प्रश्न का, वो स्टेटमेंट है कि COVID-19 महामारी के बीच विश्व दुग्ध दिवस 2021 की थीम पर्यावरण पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने की है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जहां तक पहले स्टेटमेंट की बात है तो पहला स्टेटमेंट ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये 5 जून को नहीं 1 जून को विश्व भर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, विश्व जो दुग्ध दिवस है उसमें यही थीम है, पर्यावरण पोषण सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, क्योंकि डेयरी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कृषि के साथ में अगर किसानों का सशक्तिकरण करना है, कृषि के साथ में अगर कुछ आर्थिक गतिविधियां करनी है तो इस क्षेत्र को अपनाया जा सकता है। भारत में अगर बात करें तो हर साल 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, और वर्गीज कुरियन जो कि श्वेत क्रांति के जनक थे, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, तो उनके दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको मिल ही गया है, आप आसानी से इसको देखकर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है? युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए अभी शिक्षा मंत्रालय ने एक योजना चालू की है जिसमें 30 वर्ष से कम, इसमें शर्त क्या है कि 30 साल से कम उम्र होनी चाहिए जो युवा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इस योजना का नाम है युवा योजना। लेखन के क्षेत्र में परामर्श कार्यक्रम है ये, और इसको पढ़ने लिखने पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो की गई है वो युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की, जो एक प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है, उनकी जो योजना है उसी के तहत की गई है। NBT का नाम आपने सुना होगा, नेशनल बुक ट्रस्ट, उसके द्वारा चरणबद्ध तरीके से इसका निष्पादन किया जाएगा इस योजना का, और संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान को इसके अंतर्गत सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये योजना है युवा योजना। अगला जो प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हबल स्केप टेलीस्कोप NGC 691 नामक एक सर्पिल आकाशगंगा की तस्वीर खींची है ना? तो हबल टेलीस्कोप ने ये काम किया है, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने NGC 691 नामक एक सर्पिल आकाशगंगा की तस्वीर खींची। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ये आज के टॉपिक का प्रश्न नहीं है लेकिन भूगोल का है, बिल्कुल सही है। और ये आकाशगंगा पृथ्वी से 125 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष में ही आप समझ सकते हैं, प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है जरा बताइएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है इसको जरा आप बताइएगा। और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है, 125 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है ये NGC 691, और ये एक सर्पिल आकाशगंगा है। विलियम हर्सल ने सबसे पहले इस आकाशगंगा की खोज की थी 1786 की बात है, आपके नोट्स में सब आपको लिखा है, PDF में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। 1786 में इसकी खोज की थी विलियम हर्सल ने, और 1786 में जो इसकी खोज की थी उसके बाद में अभी हबल टेलीस्कोप का उपयोग करके इसका इसकी पहचान की गई, इसको खोजा गया। आकाशगंगा और जो दूर स्थित तारे हैं, सौरमंडल के जो विभिन्न ग्रह हैं, उनका अवलोकन इसके द्वारा किया जाता है, हबल टेलीस्कोप के द्वारा, और नासा ने इसको किया है। कौन सा देश नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश बन गया? कौन सा देश है जिसने अभी जल्दी में हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड ने अभी जो नवजात अंतरिक्ष उद्योग है,
न्यूजीलैंड का, उसको बढ़ावा देने के लिए नासा के साथ एक हस्ताक्षर किया है, नासा के साथ समझौता किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड आर्टेमिस समझौते का 11वां हस्ताक्षरकर्ता बना है। आर्टेमिस अकार्ड जो है ये अंतरिक्ष सहयोग और 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर लाने की नासा की योजना है। तो जब भी आर्टेमिस की बात हो, आर्टेमिस अकार्ड की बात हो, तो आर्टेमिस का ये चंद्रमा पर मनुष्यों को ले जाने की 2024 तक का मतलब ले जाना है, ये नासा का प्रोग्राम है। और आर्टेमिस जो समझौता है, आर्टेमिस अकार्ड है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह समझौता किया जा रहा है और इसमें 2024 तक ले जाने की तो बात है ही है। और इसका नेतृत्व जो कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। उद्देश्य क्या है? जो भी इसमें सरकारें भाग लेंगी, जो भी इसमें लोग भाग लेना चाहते हैं, उनको इसमें हस्ताक्षर करना होगा और इसे नासा के तत्वाधान में तैयार किया जा रहा है, इसीलिए अमेरिका इसका निर्देशन कर रहा है। और 13 अक्टूबर 2020 को इस समझौते पर ये जो नागरिक अन्वेषण और मंगल, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के शांतिपूर्ण उपयोग के सहयोग के लिए जो ये योजना तैयार की गई थी, तो 13 अक्टूबर 2020 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सिनोवैक वैक्सीन जिसे WHO ने वैश्विक उपयोग के लिए मंजूरी दी है, ये किस देश की वैक्सीन है? चर्चा में ये रही है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखिए, 18+ के जो लोग हैं उनके ऊपर इसका इस्तेमाल होगा, जो अभी भी हो रहा है, जो भी वैक्सीन्स हैं, अभी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं चालू हुआ है। और इसको सिनोफार्म ग्रुप है जिसने तैयार किया है और वो कंपनी है चाइना की, चीन की ये कंपनी है। और इसके साथ ये भी जाने चाहिए आपको कि इसको कोरोना वैक के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम है कोरोना वैक, पैक नहीं, वैक, वैक्सीन वाला वैक। तो कोरोना वैक के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिनोवैक बायोटेक वहां की चीनी कंपनी है जिसने इसका डेवलपमेंट किया है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिनोवैक जो बायोटेक है ये चीनी कंपनी है। और अभी इसका क्लिनिकल परीक्षण किया गया चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, फिलीपींस, टर्की में। और इसे फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसको फ्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसको स्टोर किया जा सकता है। अब चाइना ने बनाया है, लेकिन कितनी विश्वसनीयता है ये तो चाइना ही जाने या लगवाने वाले जाने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सेवानिवृत्त ये जस्टिस हैं अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र को अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अरुण कुमार मिश्र जो हैं, ये 14 दिसंबर 2012 में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, फिर भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये बने थे। और इनका जन्म जो 1955 में हुआ था, आपको पता ही होगा। NHRC के बारे में अगर हम बात करें तो NHRC जो है ये 12 अक्टूबर 1993 को गठित किया गया था, गठन हुआ था इसका। मानवाधिकारों की रक्षा व संवर्धन के लिए काम करता है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। और इसका आदर्श वाक्य है सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे भवंतु सुखिना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे भवंतु सुखिना। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया गया जिसे रिमेन इन मैक्सिको, मैक्सिको में रहो नीति के रूप में जाना जाता है? तो प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल जो ये समाप्त किया गया है, ये अमेरिका में समाप्त किया गया है। रिमेन इन मैक्सिको जो है ये जो नीति है, ये मध्य अमेरिकी शरणार्थियों को अमेरिकी अदालती मामलों के लिए मैक्सिको में प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर किया गया था इसके अंतर्गत, है ना? तो इस नीति ने मजबूर किया। और ये जो नीति है, ये जब बाइडन प्रशासन आया, वहां के राष्ट्रपति अमेरिका के बाइडन बने, तो उन्होंने प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल के नाम से इस कार्यक्रम को, जो ये चल रहा था, इसको रोक दिया। जनवरी 2021 से लगभग 11,000 जो प्रवासी हैं उन्होंने इसमें नामांकन किया है और शरण के दावे के लिए अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति उन्हें दी गई है। ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको की सीमा की अगर हम बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी आप देख ही सकते हैं, मैक्सिको की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है प्रशांत महासागर से पूर्व में मैक्सिको खाड़ी तक फैली हुई है। और एक तरफ मैक्सिको खाड़ी पड़ेगी, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन पड़ेगा। और ये शहरी क्षेत्रों से लेकर रेगिस्तान तक विभिन्न इलाकों में है। 350 मिलियन यहाँ पे प्रलेखित क्रॉसिंग है, डॉक्यूमेंटेड क्रॉसिंग है। और इसके साथ दुनिया भर में सबसे अधिक बार पार की जाने वाली ये सीमा मानी जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा बार पार की जाने वाली क्रॉसिंग वाली जो सीमा है वो कौन सी है, तो यही अमेरिका और मैक्सिको की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स ने विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की 1 जून 2021 को, क्या ये सही है? अभी ये आयोजित हुई है और
ब्रिक्स बैठक की मेजबानी ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में चीन ने की, दूसरा स्टेटमेंट है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये जो मेजबानी ब्रिक्स की इस बार की है, विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है, इसकी मेजबानी रशिया ने की है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, और इसके जो मेजबानी करने वाले थे वो विदेश मंत्री रशिया के सर्गेई लावरो थे। कौन थे? सर्गेई लावरो। सर्गेई लावरो ने इसकी मेजबानी की है, ये ध्यान रखिएगा। चीन के विदेश मंत्री वांगी हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बाकी और लोगों ने पार्टिसिपेट किया। महत्व इसका यह है कि ब्रिक्स के विदेश मंत्री पहली बार बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार के सामान्य लक्ष्य पर सहमत हुए हैं, है ना। और इसमें जो सहमति बनी है, बहुपक्षीय संस्थानों को शामिल किए जाने की बात इसमें की गई है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और उनके प्रमुख अंग जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद आदि, ये सब हैं, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना जैसे IMF और विश्व बैंक हैं, और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जैसे विश्व व्यापार संगठन और अंगटाज हैं, और WHO के साथ वैश्विक स्वास्थ्य शासन प्रणाली। इन पर मतलब एक बहुपक्षीय संस्थानों को शामिल किया जाना चाहिए, ये बात इसमें की गई है ना, और इस बात पे सहमति व्यक्त किया है ब्रिक्स के देशों ने। ब्रिक्स की जहाँ तक बात की जाए तो ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका और चीन इसके सदस्य हैं। ये एक एक नाम लिए गए, क्या अच्छा लिए गए, उन्हीं से पांच अक्षरों से इनका नामकरण किया गया है, पांच इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। और ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक ऐसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का संघ है जो अभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए, मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या है? मॉडल टेनेंसी एक्ट भूमि सुधार, बिजली बिल, किराएदारी से संबंधित किससे रिलेटेड है? तो ये किराएदारी का कानून है, मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है ये किराएदारी का कानून है। 2019 में एक अधिनियम लाया गया था भारत में, एक किराएदारी कानून लाया गया, और इसे किराएदारी बाजार में पुनर्निर्माण के लिए डिजाइन किया गया। जैसे बहुत बार ऐसा होता था, लोग किराए पर आ जाते थे, बाद में छोड़कर जाते ही नहीं थे। तो 2019 का जो बजट भाषण था उसमें निर्मला सीतारमण ने पुराने किराए से संबंधित कानूनों को बदलने की बात की थी, और इसमें ये बात हुई थी कि किराए के आवास स्टॉक बनाने की में मदद होगी, बेघरों के मुद्दे को संबोधित करेगा, और साथ में मतलब जो दोनों तरीके से, एक तो खाली मकानों को खोलने की भी इसमें बात की गई थी, और दूसरा जिन्होंने क्या किया है अपने मतलब कब्जा कर लिया उनकी भी बात हुई थी। तो आवास की जो कमी चल रही है इसको दूर, जैसे कई बार ऐसा भी होता है अगर एक दो केस हो जाते हैं तो उन केस के चलते ये होता है कि कोई अपना मकान देने को तैयार नहीं होता है ना, अगर एक दो केस आसपास हो गए तो, ऐसे में मतलब डर लगता है, तो थोड़ा सा इस कानून को बदला गया। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत केंद्र सरकार उन बच्चों का समर्थन करेगी जिन्होंने COVID-19 के कारण माता पिता दोनों को खो दिया है? उत्तराखंड में अभी ये योजना चलाई गई थी, अब यहाँ पर जो पूरे भारत में चलाई जाएगी वो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन है ना, इसकी घोषणा की गई है, जिसमें कोरोना के कारण अगर किसी के माता पिता नहीं रहे हैं और 18 वर्ष की आयु तक जब तक बच्चा हो नहीं जाता है तब तक उसको मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी, 23 वर्ष की आयु तक PM केयर्स फंड में उपलब्ध धनराशि में से 10 लाख रुपए की राशि उनको दी जाएगी। तो ये योजना, ये ध्यान रखिएगा, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन वाला जो है उसके अंतर्गत की जाएगी। अब चलिए देखते हैं हम ज्योग्राफी के 20 प्रश्नों को। सब प्रश्न आपके पढ़े हुए होंगे लेकिन सही से उत्तर दीजिएगा इसका। अंतरिक्ष में आने वाली ब्रह्मांड किरणों और सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों पर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहा जाता है? आपने एक नाम सुना होगा, वो नाम है अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस जो है, अरोरा तो बोरियालिस जो है उत्तरी ध्रुव पर और ऑस्ट्रेलिस जो है ये दक्षिणी ध्रुव पर क्या होते हैं, चमकते हैं, एक चमक उत्पन्न होती है। तो ये जो ब्रह्मांड किरण, सौर पवन और पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के कारण, जो घर्षण के कारण ऐसा होता है, तो इसको अरोरा ही कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उसको अरोरा ही कहा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जहां तक बात इसमें एक देखिए दिया हुआ है प्लूटाइड, तो प्लूटाइड क्या होता है? प्लूटाइड अभी 2006 में जब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया था और उसको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, तो प्लूटो और उसके जैसे जो अन्य क्षुद्र ग्रह हैं उनके लिए एक श्रेणी बनाई गई थी, उसको प्लूटाइड नाम दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, धूमकेतु के संदर्भ में असुमेलित युग्म की यहाँ पे पहचान करनी है, यानी कि जो बातें कही गई वो धूमकेतु के बारे में कही गई है। पहला है कि नाभि, ये धूमकेतु का मुख्य अस्थायी भाग होता है जो धूल, बर्फ
और अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना है। बिल्कुल सही है। कोमा यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता है। ये भी सही है। और पूंछ ये धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं, उनको पूंछ कहा जाता है। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। नाभि, कोमा और पूंछ ये ध्यान रखिएगा, ये धूमकेतु के पार्ट हैं और इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आप बन सकते हैं क्योंकि अब बेसिक प्रश्न लगभग सब समाप्त हो चुके हैं। अगला जो प्रश्न है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग किया गया था, और प्लूटो को जब अलग किया गया था तो वहां पर 2006 में प्राग में एक सम्मेलन हुआ था IAU का, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का, और उसमें ये कहा गया था कि ये नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है, इसकी अपनी कक्षा नहीं है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है, और तीसरा कहा गया था कि आकार की दृष्टि से ये कई उपग्रहों से छोटा है। ये सभी कारण थे जिनके कारण से प्लूटो को अलग किया गया, और इसके जैसे जो अन्य भी ग्रह थे उनके लिए प्लूटाइट श्रेणी बनाई गई थी, है ना, और इसको इसी कारण से अलग किया गया था, है ना। प्लूटो को सौरमंडल के बाहरी क्यूपर घेरे, क्यूपर जो बेल्ट है उसकी सबसे बड़ी संरचना खगोलीय वस्तु के रूप में उसमें जगह दे दी गई थी कि ये जो क्यूपर बेल्ट है क्यूपर में सबसे बड़ी संरचना है, तब से ये वहीं पर है। बाद में इसको ग्रह नहीं माना गया, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब 8 ग्रह हैं। गोल्डी लॉक्स जोन से क्या तात्पर्य है? गोल्डी लॉक्स जोन क्या है? जिन्होंने ज्योग्राफी की क्लास की होगी उनको ये पता होगा। ये एक ऐसा स्थान होता है जो निवास योग्य क्षेत्र होता है, पृथ्वी जैसा क्षेत्र, जैसे पृथ्वी पर निवास हम कर सकते हैं। और निवास का सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ पे जल मौजूद है, तो तरल जल मौजूद है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सतह पर तरल जल काफी मात्रा में मौजूद होता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, और ये निवास योग्य क्षेत्र होता है। और अंतरिक्ष में किन्हीं दो क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु, क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पे जल पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? गोल्डी लॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये पृथ्वी के सदृश होता है, पृथ्वी जैसा होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह का उदाहरण नहीं है? हम कठिन से सरल की ओर जाएंगे, सरल तो बहुत आपने पढ़ा है। ग्रहों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक होता है पार्थिव ग्रह, है ना, और दूसरा होता है जोवियन ग्रह। तो जो पार्थिव ग्रह हैं उनका निर्माण सूर्य के निकट होने के कारण हुआ है, तो वो ठोस अत्यधिक तापमान वाले ग्रह हैं, है ना, ठोस प्रकार के ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इसमें आते हैं। और जो जोवियन ग्रह हैं, जोवियन ग्रह दूर वाले ग्रह हैं जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, और ये गैसीय ग्रह हैं, ये ठोस ग्रह नहीं है। तो इसमें जोवीय ग्रह का उदाहरण नहीं है, तो इसमें मंगल जो होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह पार्थिव ग्रह हैं, तो मंगल जो है ये इसमें जोवियन ग्रह नहीं है। बाकी इसमें व्याख्या में बहुत सही से सब दे दिया गया है, ये पार्थिव ग्रह हैं और ये जोवियन ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ग्रह के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। जब भी प्रश्न पढ़िए तो उसको सही से पढ़िए, सत्य की असत्य, असत्य है यानी कि सत्य सत्य टिक कर लीजिए, जो बचे वही उत्तर हो जाएगा। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, यह भी सही है। मिथेन गैस की अधिकता के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है, और ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पता है, तो ये दक्षिणावर्त पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर जो है मिथेन गैस की अधिकता कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है, तो ये गलत है, ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है। किस रंग का? नीले हरे रंग का ये ग्रह दिखाई देता है, अरुण ग्रह। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सी ही इसमें असत्य है, बाकी सब सत्य है, तो ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारण वाले। कथन है कि शनि ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है, शनि का जो रंग है वो पीला होता है, बिल्कुल सही है। और शनि का जो ऊपरी वायुमंडल है ये पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा हुआ है, और जब कुछ आपको दिखेगा तो बाहर का ही तो दिखेगा, ऊपरी तो दिखेगा, तो पीला अमोनिया यहाँ पर है, उसके कणों से घिरा है, इसलिए पीला दिखता है। कथन कारण दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ए आर ओ दोनों सही है, और ए आर आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, शनि ग्रह के बारे में और जो जानकारी आप यहाँ पढ़िएगा, ये सूर्य से दूरी के क्रम में 6वां ग्रह है, आपको इन्फॉर्मेशन ये पता ही होगी। और 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में ये शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस घटना को रिंग क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। बाकी इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मिथेन, अमोनिया, ये सब गैसें भी पाई जाती हैं, गैसों का गोला भी इसको कहा जाता है। बाकी इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, टाइटन इसका उपग्रह और क्या क्या है,
ये सब आप देख लीजिएगा, छल्ला पाया जाता है, आप स्मार्ट हैं। अगला जो प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, तो बृहस्पति ग्रह के बारे में जो ये बातें कही गई आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य ही बताना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा, सबसे भारी ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में छठे स्थान पर। ये सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सही है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी, ये भी सही है। और इसका उपग्रह गैनीमीड जो है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी सही है। यहाँ पर जो छठा दिया हुआ है, ये छठा ग्रह नहीं है, ये फिफ्थ पोजीशन पर आता है, फिफ्थ। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि असत्य ही तो बताना था, ये फिफ्थ पोजीशन पर आता है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा और 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर अपने अक्ष पर ये लगाता है, ठीक है। 79 इसके उपग्रह हैं, अगर आगे और बढ़े होंगे तो अपडेट कीजिएगा। गैलीलियो ने खोजा था और सौरमंडल का सर्वाधिक पलायन वेग इसमें पाया जाता है, 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सूर्यवर्ष कहते हैं, सौरवर्ष कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसको कहते हैं सोलर ईयर कहते हैं। शुक्र को लाल ग्रह भी कहते हैं, शुक्र को लाल ग्रह कहते हैं, क्या ये बात सही है? शुक्र को लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र को लाल ग्रह नहीं कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है ना। तो ये सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है, ये मंगल ग्रह पर मौजूद है, ये बात बिल्कुल सही है। ओलंपस मोन्स जो है, वो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सौरमंडल का, वो भी मंगल पे है। और निक्स ओलंपिया ये जो है सबसे ऊंचा ये पर्वत है, ये भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। बुध पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा है कि शुक्र सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, जो सूर्य तथा चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है, खगोल पिंड है। और शुक्र तथा अरुण की परिक्रमण जो दिशा है, वो पूर्व से पश्चिम विपरीत है, अर्थात दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी की वामावर्त है। तीसरा तो बिल्कुल सही है। पहले दूसरे पर आप ध्यान से पढ़िए, इसका उत्तर भी आप देते चलिए। पहला आप देखेंगे तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तो सही है, लेकिन पृथ्वी के सबसे नजदीक नहीं, सूर्य के सबसे नजदीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा देखेंगे आप तो सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला है शुक्र, ये सही है, लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक नहीं, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो दूसरा गलत हो गया। पहला और दूसरा गलत हो गया, केवल तीसरा सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असत्य कथन आपको बताना है, तो पहला दूसरा गलत है, ये भी पढ़ना है आपको, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। असत्य बताना है यहां पर, तो जो असत्य है, जो गलत है, वही बताने हैं। ऑप्शन सही से देखा करिए, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, क्योंकि किए कराए पे पानी फिर जाएगा अगर प्रश्न जानते हैं और आंसर गलत टिक कराए। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार किसी आकाशीय पिंड को ग्रह का दर्जा प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि क्या क्या हो? अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो, सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करता हो और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता हो। ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों की तीनों शर्तें यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, तभी उसको हम ग्रह का दर्जा देंगे। बिना इन शर्तों के पूरी हुए ग्रह का दर्जा नहीं मिल सकता है। घूर्णन, परिक्रमण, ये सारी चीजें होनी चाहिए, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण होना चाहिए, अपने अक्ष पर भी घूर्णन होना चाहिए, ठीक है, तभी यह ग्रह बन पाएगा, नहीं तो पिंड तो बहुत है, सारे तो ग्रह नहीं है। अगला जो प्रश्न है, फोटोस्फेयर एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% हीलियम, 9% हाइड्रोजन तथा 1% भारी तत्व होते हैं, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट। और दूसरा है कि सौरकलन की सर्वप्रथम खोज गैलीलियो ने की थी, गैलीलियो ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, ऐसा कहा जा रहा है, क्या ये सही है? सौरकलंक, सौरकलंक होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, सौरकलंक जो होते हैं वो फोटोस्फीयर के बारे में आप जानते हैं, अभी आगे आएगा प्रश्न में। फोटोस्फीयर जो है ये सूर्य की सबसे बाह्य प्रकाशित सतह होती है, फोटॉन की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली नहीं होती है, कहीं पर पतली कहीं पर मोटी, तो जो इसमें अनगिनत छोटे बड़े प्रकाशित कण पाए जाते हैं, छोटाई मतलब मोटाई जो, और मोटा पतला होने के कारण जो मोटाई कहीं पाई जाएगी कहीं पतला पाया जाएगा, तो इन कणों को ग्रैनूल कहा जाता है, इन कणों को ग्रैनूल कहा जाता है। और फोटोस्फीयर में ठंडे और काले धब्बे होते हैं जिनको सौरकलंक कहा जाता है, सौर्य धब्बा कहा जाता है, और गर्म एवं प्रकाशित भाग जो इसका एक और होता है उसको फैकुला कहा जाता है। ये सब आपकी इसमें नोट्स में आपको आगे मिल जाएगा, तो ये तो मुझे तो रटा हुआ है। तो जो ये सौरकलंक है, अगर ये बढ़ेगा तो सौरकलंक अगर बढ़ेगा तो तापमान कम हो जाता है, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र होते हैं,
बात समझ में आई? और इसकी जो खोज की थी वो गैलीलियो ने की थी, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है, तो 90% हीलियम नहीं, 90% हाइड्रोजन और 9% हीलियम पाया जाता है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, 90% हीलियम, 9%। देखिए कहाँ कहाँ से आपको घुमाया जा सकता है, मैं वो सारी कोशिशें यहाँ पर कर रहा हूँ। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है ये सारी इसमें नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जो दिखता है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोस्फियर, है ना, प्रकाश मंडल जो होता है, प्रकाश मंडल में ही, मतलब ये जो क्रोमोस्फीयर है वो प्रकाश मंडल में पाया जाएगा। क्रोमोस्फीयर का आरंभ प्रकाश मंडल की ऊपरी परत से होता है, और इसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सौर्य सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है, जो विजिबल है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। और यहाँ पे प्रकाश मंडल जो होता है उसी में सौर कलंक भी पाए जाते हैं। इसका तापमान कितना होता है? ये 5500 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। 5500 डिग्री सेल्सियस इसका जो तापमान है, 5500 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और क्रोमोस्फीयर पे गैसों के जो उठते प्रवाह है उनको स्पिक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पिक्यूल कहा जाता है। और जब कभी कभी तीव्र गहनता वाला प्रकाश यहाँ उत्पन्न हो जाता है तो उसे सौर ज्वाला कहा जाता है। ये सब मैटर ऐसा है कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। प्रकाश मंडल का जो बाहरी भाग है, कोरोना फैला हुआ ना, तो ध्यान रखिएगा, बाहरी जो भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसको कोरोना कहते हैं। लेकिन वो कोरोना ये वाला कोरोना नहीं है, दोनों में अंतर है। वो कोरोना है, क्रीट भी उसको कहते हैं, कोरोना कहते हैं। और संपूर्ण स्वतंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली जो पवन होते हैं उसको सौर पवन कहते हैं, उसको सोलर वाइंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सूर्य के संबंध में एक कथन आपको ढूंढना है जो गलत है। सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है, बिल्कुल सही। द्रव्यमान जो इसका है वो 70.6% हाइड्रोजन और 27.4% हीलियम है इसमें, ये भी सही है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है, कोई दो राय नहीं। और इसकी घूर्णन जो अवधि है ये भूमध्य रेखा पर 30 पृथ्वी दिवस है। पहला इसका पार्ट तो सही है, लेकिन जो दूसरा पार्ट तीसरे में दिया हुआ है सी में, ये 30 नहीं, ये 25 होता तो सही होता, तो तीसरा गलत हो गया, असत्य पूछा जा रहा था, सी सही उत्तर हो गया। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, ये तो अपने हमने पढ़ा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर आप दीजिए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार तारामंडलों की संख्या 88 मानी गई है, क्या ये बात सही है? 88 तारामंडल है। नवासियों के तौर पर अगर देखा जाए तो एक तारामंडल शायद भारत में कुछ एक्स्ट्रा माना जाता है क्या? मैंने कुछ क्लास में बताया था आप लोगों को शायद, लेकिन ये 88 तारामंडल नहीं, तारा वो कुछ दूसरा था, 88 ही है जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसके तहत 88 है, यही माना भी जाएगा, ठीक है। ध्रुव तारा लिटिल वियर तारा समूह का सदस्य है, क्या ये बात सही है? जो ध्रुव तारा है वो लिटिल वियर तारा समूह का सदस्य है, बिल्कुल सही है। सप्तर्षि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जाना जाता है। सप्तर्षि मंडल के संकेत तारों को आपस में अगर हम मिला के एक काल्पनिक रेखा का निर्माण करें और उसको आगे बढ़ाएं तो वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। उत्तरी ध्रुव पर स्थित है इसलिए ध्रुव तारा इसको कहा जाता है। हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये इसकी विशेषता होती है। और ये जो है ये लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सारी व्याख्या दी हुई है, मैं तो व्याख्या कर ही दे रहा हूँ। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। एक बार आपसे ये पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि नक्षत्र क्या होता है, तो नक्षत्र जो होता है वो जो तारे हैं, तारे अगर एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित हो जाए, कुछ लगे, एक पैटर्न दिखे उसमें, तो उसको नक्षत्र कहेंगे, कॉन्स्टिलेशन कहेंगे इसको, बिल्कुल सही है। स्टार्स का एक अरेंज्ड डिफिनिट क्या होता है? सेफ होता है, अगर उसका अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, ग्रुप में हो जाए, किसी नियत नक्षत्र के मध्यान रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर दो बार गुजरने के बीच का जो समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। अगर दो एक मतलब नक्षत्र जो है वो मध्यान रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर दो बार गुजरे तो उसको नक्षत्र दिवस कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.44 सौर द्रव्यमान की श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। 1.44 सौर द्रव्यमान जो है वो ही सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। आपने पढ़ा है
आपने चंद्रशेखर सीमा के बारे में सुना है? अगर चंद्रशेखर सीमा के बारे में सुना है तो चंद्रशेखर जो थे वो भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद थे, और उन्होंने स्वायत्त वामन तारों की जीवन अवस्था के बारे में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि 1.44 सौर द्रव्यमान जो है वही स्वायत्त वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। बिल्कुल सही बात है, और इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, जो ये ऊपरी सीमा है इसी को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। और न्यूट्रॉन तारे, अगला जो स्टेटमेंट है, न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है, ये अलग बात है। न्यूट्रॉन तारा क्या है? सुपरनोवा जब विस्फोट होता है तो सुपरनोवा विस्फोट से बचा हुआ जो केंद्रीय भाग है, जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है, अत्यधिक घनत्व वाला, उसी को न्यूट्रॉन तारे का जनक माना जाता है। न्यूट्रॉन तारों का निर्माण उसी से होता है। अधिक गति के चक्कर के कारण न्यूट्रॉन से बने तारों को न्यूट्रॉन तारा कह दिया जाता है, क्योंकि अधिक गति से चक्कर ये लगाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारे को ही पल्सर के नाम से भी जाना जाता है, न्यूट्रॉन तारा ही पल्सर कहा जाता है, न्यूट्रॉन तारे को ही। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल सही है, तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है, ये भी सही है। नीला व सफेद तारा वृद्धावस्था का संकेत होता है। आपको बताना चाहता हूँ, नीला व सफेद तारा जो होता है वो आद्य तारा होता है, वो प्रोटो स्टार होता है, यूथ होता है, वृद्ध नहीं होता है। नारंगी जो होता है वो प्रौढ़ होता है, जो ऑरेंज कलर का होता है वो मेच्योर तारा होता है, और जो रेड कलर का होता है वो वृद्धावस्था, लाल हो गया इसको, जैसे आम पक जाता है, कोई भी फल पकता है तो धीरे धीरे लाल, तो जो वृद्ध होगा तो वो रेड होगा। तो यहाँ पे ये गलत दिया है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि सही नहीं पूछा जा रहा है। और विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु होती है, इसी को क्या कहते हैं? कृष्ण विवर कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, तो ये डी बिल्कुल सही है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा था। नीला व सफेद तारा वृद्धावस्था को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से नहीं हो सकी। जो बिग बैंग सिद्धांत है, जॉर्ज लेमेटर ने जिसका प्रतिपादन किया था, फिर रॉबर्ट बेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत में कुछ और व्याख्या जोड़ी थी, तो ये बिग बैंग का जो सिद्धांत है इसको डॉपलर प्रभाव से पुष्टि मिल चुकी है ना। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था 13.7 अरब वर्ष पहले, और इसका जो निर्माण हुआ था तब, मतलब ये बहुत छोटा सा था, फिर इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप घनत्व इसका अनंत था, और इस कारण से फिर बिग बैंग की प्रक्रिया हुई और उसमें इसके अंदर विस्फोट हुआ, महाविस्फोट उसको बोलते हैं, और ब्रह्मांड की उस उत्पत्ति इसी से हो गई। तो 1967 में इन्होंने, रॉबर्ट वेगनर ने इसको प्रतिपादित करके और विस्तृत किया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि उस डॉपलर प्रभाव से इसकी पुष्टि होती है। अगला जो प्रश्न है, कैपलर ने ग्रहीय गतियों के नियम की खोज की तथा इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना, क्या ये सही बात है? कैपलर ने खोज की थी, बिल्कुल सही बात है, कैपलर ने खोज की थी, पहला बिल्कुल सही है। सौरमंडल का लगभग 66% से अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है, जिसकी मतलब द्रव्यमान की बात हो रही है सौरमंडल में, तो सूर्य की बात हो रही है कि 66% से अधिक, और सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान फिर बाकी बनाते हैं जो 34% बचा। दूसरा स्टेटमेंट गलत नहीं है, सही नहीं है, गलत है ये, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या सही है, विचार करना है, तो केवल एक सही हो जाएगा। दूसरे में गड़बड़ी क्या है, पूरे सौरमंडल की बात करें तो लगभग 99% 99% जो सौरमंडल का भाग है वो सूर्य में निहित है, और बाकी जो 1% है उसमें सारे जो जितने शेष ग्रह हैं, पिंड हैं, सब मिलकर उसको बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। आपको ये कैसा लगता है हमको जरूर बताएं, और इसका PDF अगर चाहते हैं, इसका टेस्ट देना चाहते हैं, रोज इसको बिल्कुल बढ़िया से तैयार करना चाहते हैं, तो आप IAS प्रेप अकेडमी पर विजिट करें, वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन करें। आप आराम से मत बैठें, आराम हराम है, आराम से बैठे रहेंगे समय निकल जाएगा, पेपर बिल्कुल नज़दीक आएगा तो लगेगा थोड़ा और बढ़ जाता, एक बार चाहे कोरोना ही आ जाता, तो ऐसा नहीं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा बहुत आपको प्रयास करते रहना है, बिल्कुल सुस्त होकर नहीं बैठना है। तो UPPCS RO ARO एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज, डेली 30 कार्यक्रम, ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज और प्रोग्राम सब लॉन्च होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो दोस्तों को बताइए, लोगों को शेयर कीजिए, और बाकी आप इसको अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो IAS प्रेप अकेडमी के तहत जो सब्सक्रिप्शन है उसको ज्वाइन